नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा YouTube वीडियो हमने बनाया है ट्रांसपोर्टर के लिए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जगह से माल लेती है, अपने गोडाउन में रखती है। व्हाट इफ गोडाउन में आग लग जाए, व्हाट इफ ट्रांजिट के अंदर सामान का नुकसान हो जाए, व्हाट इफ कंसाइनर ने इंश्योरेंस ही नहीं ले रखा है, व्हाट इफ कंसाइनर ने इंश्योरेंस ले भी रखा है और ट्रांसपोर्टर ने ले रखा, अलग अलग बहुत सारी आती है। ये सारी चीजें एज ए इंश्योरेंस सर्वेयर में ऑल ओवर इंडिया में डील करता हूँ। मेरा नाम राम गोपाल वर्मा, इंश्योरेंस सर्वेयर पिछले 35 सालों से। इस वीडियो बनाने का मकसद है सबसे नॉलेज शेयर करना, जिससे कि आप लोग प्रॉपर इंश्योरेंस लो, प्रॉपर आपको क्लेम मिले, सर्वेयर प्रॉपर एसेस कर सके, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इश्यू करेंगे, ब्रोकर इश्यू कर सके। मेरा मकसद है सबको प्रॉपर एजुकेट करना अपने नॉलेज की बाबत, जिससे कि मेरा देश तरक्की कर सके, मेरे ट्रांसपोर्टर तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह माल भेजोगे, माल बिकेगा, माल आप प्रोक्योर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, फैक्ट्री में जाएगा, इट इज गुड फॉर माई कंट्री। तो यही मेरा मकसद है ट्रांसपोर्टर को एजुकेट करने के लिए। मैंने किताब भी लिखे इंश्योरेंस इन 20 यूपर फॉर फायर इंश्योरेंस क्लेम के लिए। ये अमेजन के ऊपर ये किताब है, आप ये किताब देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ले सकते हो। अब मैं ट्रांसपोर्टर के लिए स्टार्ट करता हूँ। ट्रांसपोर्टर में सबसे पहले होता क्या है, आप पार्टी के पास जाते हो, कंसाइनर के पास, उससे माल लेते हो, माल लेकर के अपने गोडाउन में लेकर आते हो, एक शहर में अलग अलग जगह से लेकर आके वह स्टोर करते हो। व्हाट इफ उस गोडाउन में आग लग जाए, आपने माल स्टोर किया 10 आदमी को, 50 आदमी का, 100 आदमी का और आग लग गई, इसलिए आप लोगों को अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी गोडाउन का इंश्योरेंस देने के लिए खुश है, भैया स्पेशल कर दे दो, गोडाउन ए बी सी डी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 गोडाउन ऑल ओवर इंडिया, इन सब गोडाउन का इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस का तो वैल्यू डिक्लेयर करो, फॉर एग्जाम्पल 30 करोड़ का इंश्योरेंस आप करवाते हो कि मेरा स्टॉक है, अगर इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। अब ये तो हो गया पड़े, लेकिन यहाँ पर ज्यादा माल पड़ा नहीं था 30 करोड़ का, तो सारे साल में पता चला कि यहाँ पर हार्डली हमने 3 करोड़ का माल पड़ा रहता है या 2 करोड़ का माल पड़ा एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। वो देखो हर मोमेंट कितना था, वो देखता है इसका 1 लाख रुपए प्रीमियम लगेगा, दो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो जिससे कि आपका प्रॉपर सेफ्टी रहे, यहाँ आपका रिस्क है गोडाउन में जहां माल ले दो, और जहां आपके गोडाउन में, अपने गोडाउन में जब पहुंच जाता आपका माल डेस्टिनेशन में, अपने गोडाउन में, इन सब गोडाउन के आप प्रॉपर कवरेज रहे, ज्यादा प्रीमियम नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रीमियम सर वेरी लो। अब ये तो होगा एक पार्ट गोडाउन में। आज के दिन इस बार आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर या नॉर्थ इंडिया के अंदर या ऑल ओवर इंडिया में गर्मी बहुत बड़ी है, 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर, ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि थोड़ से भी फ्लिक लगी और आग लग गई। ट्रक बहुत जल्दी है सर माल के साथ, व्हाट इफ आपने ट्रक पे माल लोड तो कर लिया, लोड कर लिया, वहां से निकल गया, अब आप ट्रांजिट में आ गए, ट्रांजिट में आते क्या आपका आग लग गई, अब गोडाउन के सामने खड़ी है गाड़ी और आग लग गई, सारा माल धुं धुं करके जल गया, आगे 2-4, 5-10 किलोमीटर आगे आग जल गया। तो ये उधर ट्रांजिट रिस्क, आपको ट्रांजिट रिस्क का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। किससे? फायर से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, आपका हाईजेक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये मेरिडियस हर चीज की कवर होती है, नो प्रॉब्लम। आपको बोलना नहीं पड़ता क्या चीज, मेरिडियस मीन एवरीथिंग इज कवर्ड, ये माल सेफ्टी जब तक नहीं पहुंचेगा फुल कवर, इवन हाईजेक भी कवर्ड है, अगर ट्रक को लेके भाग गया माल लेकर उसका भी कवर है। तो आप लोगों को इसका, अब जैसे 30 करोड़ का आप सारे साल में होते 2.5 करोड़ एक महीना, और सारे साल में 30 करोड़ का कितना प्रीमियम बनता है, मुश्किल से 1 लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा बने तो 2 लाख रुपया, दैट्स ऑल, 1 या 2 लाख के लिए 30 करोड़ का हमने एक्सीडेंट तो होनी है, मान के चलो रास्ते के अंदर माल खोना है, माल चोरी होना है, माल आग लगनी है, ये कॉमन है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो आप लोगों को इंश्योरेंस करवाने नहीं चाहिए। रास्ते में अगर कोई हाईजेक भी हो जाए, लेके भाग गया, ट्रक लेके भाग गया, ड्राइवर लेके भाग गया, खलासी लेके भाग गया, कोई बंदूक लगा के लेके भाग गया, यस इट इज कवर्ड इन द पॉलिसी, बिल्कुल कवर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका माल वहां डेस्टिनेशन में पहुंच गया, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आपने गोडाउन में पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या होता है, आप अलग अलग जगह डिलीवरी देते हो, वहां पर अगर जैसे एक केस मैंने हैंडल किया, वहां पर ट्रक के अंदर गोडाउन में सारा माल पड़ा होता है, गोडाउन में आग लग गई, कंप्यूटर जल गया, सारी बिल्टियां जल गई, सब जल गई, अब क्या करें भैया, आपके आग लगी ना, नो प्रॉब्लम, जो भी कंसाइनर सबसे आप बिल्डिंग की कॉपी लो, इनवॉइस की कॉपी लो, हाँ इतना माल था, ये माल जल गया, ये पार्टियों का माल था, ये चीज जल गया, वो उसे प्रूव हो जाएगा, ये रहा मेरा माल, ये रहा सारी चीज। अब आपको क्या करना चाहिए कि भी जब भी आप इंश्योरेंस करवाओ, आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी करवाना चाहिए। अगर 1 करोड़ का माल है, अगर उसके ऊपर जीएसटी 18% फॉर एग्जाम्पल, तो 1 करोड़ 18 लाख का इंश्योरेंस करवाओ, आप पार्टी को दे देंगे इंश्योरेंस क्लेम, कोई दिक्कत नहीं है,
पार्टी को सिर्फ क्या करना है, जीएसटी 3 भी देना पड़ेगा। भैया मैंने जीएसटी 3 भी मैंने जीएसटी सरेंडर कर दिया, आप लोग 1,18,00,000 का क्लेम हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जीएसटी 3 का सरेंडर दो, इनवॉइस दो, बिल्टी दो, चालान का प्रूफ दे दो, ईओई बिल दे दो और साथ के अंदर जीएसटी 3 दे दो, फाइन। अब आपका माल वहां अगर जलता डेस्टिनेशन में, अब व्हाट इफ आपने माल रख रखा है, कई आज का ट्रांसपोर्ट से स्टोरेज फैसिलिटी देते हैं दिल्ली में, ओखला में, बॉम्बे के अंदर, सब जगह बोलते हैं साहब ये माल पड़ा रहे तो मेरे को 2-4 महीने में जब चाहिए तब लूंगा। आपको बिजनेस लेना होता आपको कोई स्टोरेज फैसिलिटी देनी पड़ती है कि मैं माल चलो 6 महीने तक, साल भर तक पड़ा रहे, अब वहां पर आग लगी 6 महीने के बाद वो माल जो पड़ा हो, यस नो प्रॉब्लम। आपको प्रूव करना पड़ेगा ये माल मेरा आया था, ये मेरा गोडाउन में एंट्री है, सब कुछ है, सारी चीज आ गई, अब ये माल मेरा जल गया, यस आप उसको क्लेम ले सकते हो। जुड़ी 7 दिन में तो आपका ट्रांजिट वाले में कवर होता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 7 दिन के बाद आपका ये सारा का सारा माल आपके गोडाउन के पॉलिसी में कवर होता फायर पॉलिसी, इसलिए फायर पॉलिसी लेके रखो। जिस जगह आप लेके रखते हो स्टॉक रखते हो उस जगह सेफ रखो। भैया ये माल मेरी जिम्मेदारी, जब तक नहीं देता तब तक ट्रांसपोर्टर होने के नाते अब कंसाइनर की प्रति आपकी जिम्मेदारी है, कंसाइनर के प्रति जिम्मेदारी, भैया माल में संभाल के रखूंगा, जल गया फाइन। अब क्लेम लो, क्लेम लेके उन पार्टी को, अब देखो क्या होता है कि आप माल के मालिक नहीं हो, मालिक और कोई है, तो इनवॉइस वो देंगे, सब कुछ वो देंगे, बिल वो देंगे, सब कुछ देंगे, तब आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे भैया ये पार्टी का इतना इतना माल है, आप ये क्लेम। अब पार्टी 2 टाइप की हो सकती है, देखो आगे कॉम्प्लिकेशन क्या, कुछ पार्टी होती है जिन्होंने इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी पार्टी है जो उन्होंने इंश्योरेंस ले लेकर भैया वो माल दिया तब से लेकर एंड तक, ऐसे केस में क्या उनको बोलो भैया अगर आग लग गई ट्रांजिट में या कहीं भी आप इंश्योरेंस क्लेम ले लो, मैं नहीं देने वाला क्योंकि मैंने इंश्योरेंस आपके लिए नहीं करवाई है, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम ले लो, नो प्रॉब्लम, दे कैन टेक द इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि उनका डायरेक्ट उन्होंने इंश्योरेंस करवाई अपने गुड्स का, नो प्रॉब्लम, ये ओनर ऑफ गुड्स के लिए। अब कुछ पार्टी ऐसी भी छोटी जिन्होंने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, छोटी पार्टी आपको माल दे दिया, आप इंश्योरेंस कवर करके रखो इन छोटी पार्टियों के लिए कि सब मेरे गोडाउन में या ट्रांजिट में या डेस्टिनेशन में कहीं भी अगर लॉस हुआ मैं इन पार्टी को मैं क्लेम दूंगा इनको, क्योंकि इसलिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया। तो ये पार्टियों की छोटी वाली जिनके लिए आप इंश्योरेंस लेके रखो, बड़ी वाले को बोलो तो तुम अपने आप इंश्योरेंस ले लिया, मैं नहीं ले रहा हूं तुम्हारे लिए, तो दोनों में फर्क हो जाएगा कि भाई एक इंश्योरेंस वाले एक बगैर इंश्योरेंस वाले, ये कॉम्प्लिकेशन आता। अब देखो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपके ट्रांसपोर्ट के एंगल से कि मैंने बतेरे क्लेम हैंडल किए हुए, यहां पर आग लगती है अलग अलग पार्टी का माल होता है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होती है, फाइन। अब एक क्लेम आप लेके चलो जहां पर एक जगह से ट्रक लेकर निकला, दिल्ली से ट्रक लेकर निकला, ट्रक थोड़ी दूर जाते ही वो ट्रक गायब हो गया, माल भी गायब, ट्रक भी गायब, सब गायब, आज तक भी नहीं मिला, फाइन। अगर आपका मेरिन का इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो आप क्लेम लॉन्च कर सकते हो, साहब ये मेरा माल है, ये मैंने दिया था ट्रक में और ट्रक गायब हो गया, माल भी गायब हो गया। कई लोग आजकल गैंग काम करते हैं जो आपसे माल तो ले लिया, ट्रक गायब, अब आप ढूंढते रहो और ट्रक गया कहां, माल वो बेच के खा जाते हैं सारे का सारा। तो ऐसे केस के अंदर आपको इंश्योरेंस अगर लेंगे तो आपको आप इंश्योरेंस लेने के हकदार होंगे और लेकर आप पार्टी को दे सके भैया ओके ये ले लो, और पार्टी ने अगर इंश्योरेंस लेगा पार्टी बोलो भाई तूने इंश्योरेंस ले लिया तो आप इंश्योरेंस क्लेम ले लो, कोई दिक्कत जो मिलेगा पार्टी डायरेक्ट क्लेम करेगी। तो हम दोनों तरफ से सर्वे करते हैं, कभी हम ट्रांसपोर्टर की तरफ से कि अगर आपने पॉलिसी ली, कभी हम कंसाइनर की तरफ से जो कंसाइनर ने जो आपको माल दिया उसकी तरफ से इंश्योरेंस का क्लेम हैंडल करते हैं भैया ओके उसका। जैसे एक केस में ट्रक ने दिया, ट्रक के अंदर माल आया, माल लेकर के गायब हो गया, गायब होने के बाद माल मिला सारा डैमेज, फाइन। अब ये सारे का सारा माल सर्विस में बेचना पड़ेगा, नेट लॉस हुआ, नेट लॉस कंसर्नर बोलता है ये मेरे को नेट लॉस चाहिए मेरी पॉलिसी में, ट्रांसपोर्टर से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फाइन। आपकी जिम्मेदारी एक ही होती है कभी भी अंडरलोड ओवरलोडिंग मत करो, प्रॉपर पेपर रखो, हर चीज के फोटोग्राफ खींच के रखो, अगर आप फोटो खींच के रखते हो, वीडियो बना के रखते हो, हर चीज में रखते हो आप सेफ हो। आपको कई बार अपने ट्रक यूज करते हो, कई बार बाजार से दलाल से लेना पड़ता है, कई बार मंडी से उठाना पड़ता है, कई बार रोड, फाइन। जब भी आए मेक श्योर कि भैया उसके टोटल पेपर ऊपर सारी चीज चेक करो, भैया उसकी कितने टॉनेज है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी डीएल, उसकी आरसी और उसकी चेसिस का नंबर, चेसिस वगैरह, हर सारे पेपर लेकर रखो, फोटो कॉपी लगा के रखो भैया, ये नॉर्मल कोर्स में डाल के रखोगे कभी भी आपको इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने देखा कि मैंने जितने क्लेम हैंडल किया आज तक पॉलिसी लेने वाले को कभी दिक्कत नहीं आई, जो पॉलिसी नहीं लेते वो इंश्योरेंस सर्वेयर की इंश्योरेंस कंपनी की सबका देख नहीं सकते, बिजनेस उनका बट्टा बैठ जाता, वो बोलता भैया ना मैंने पॉलिसी लेना तूने लिया मेरा पैसा दे, वो पैसा दे नहीं पाता बिजनेस से बाहर। तो इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस कंपनी आपको आश्चर्य होगा वो बहुत खुश है इंश्योरेंस क्लेम पे, उनको पता नहीं पे करूंगा कोर्ट कचहरी 50 लफड़ेबाजी होगी, जो वो हैंडल नहीं कर पाए बदनामी होगी, लोग बिजनेस नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। तो एज ए सर्वेयर
हम क्लेम रिकमेंड करके खुश है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करके खुश है, इंश्योरेंस ब्रोकर वो क्लेम पे करके खुश है, आप लोग पॉलिसी लो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ पार्टियां बदमाशी करने की कोशिश करती है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी सर्वे को पता चला भैया बदमाशी करी है, लेकिन वो मकसद आपका नहीं होता, आप लोगों का मकसद होता जेन्यून लॉस भैया लेटेस्ट ट्राई टू पे, और हम लोग भी खुश है। इससे क्या होता है, देश तरक्की करता, ट्रांसपोर्टर तरक्की करता, इंडस्ट्री तरक्की करती है। इस वीडियो का मकसद, ये किताब लिखने का मकसद यही है, मेरा देश तरक्की करे, सारे ट्रांसपोर्टर तरक्की करे, प्रॉपर इंश्योरेंस ले और प्रॉपर उनको क्लेम मिले, ये मेरा मकसद है। धन्यवाद। राम गोपाल वर्मा, थैंक यू वेरी मच।